थैंक यू। हाय गुड मॉर्निंग। हाँ मतलब सो गाइस गुड मॉर्निंग। 8:56 हो गया है मॉर्निंग में। हम लोगों ने वाइल्ड ऑर्किड से चेकआउट करने का टाइम आ चुका है एंड बिकॉज दो दिन और हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं और दो दिन के लिए हमने दूसरा रिजॉर्ट कराया हुआ है बिकॉज एक्चुअली तीनों दिन के लिए वही रिजॉर्ट कराना था बट दिन उसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी आज के दिन की, तो हमने आज के लिए कल के लिए मतलब बेसिकली वाइल्ड ऑर्किड कराया था। अभी दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो वाइल्ड ऑर्किड का है एंड यू गाइस कैन सी साउथ इंडियन मेन्यू कम्प्लीटली अदर देन दिस मफिन। बाकी ये पैनकेक है एंड उत्तपम एंड पोहा एंड एवरीथिंग मिक्स है पूरा एंड ये फ्रूट चाट फ्रूट समथिंग दिस वेरी। इवान या विवान? इवान 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 नहीं 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 आएगा। कैमरे में हेलो बोलो। बोलो हेलो। नहीं 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 और देखना कैसे स्कूटी में सामान ठूसना पड़ेगा। और हमने सोचा था स्कूटी भी चेंज करेंगे, अभी होंडा के डीओ थोड़ी पुरानी स्कूटी मिली हुई है। वी आर ट्राइंग टू गेट अ न्यूअर बेटर स्कूटी, लेट्स सी, नहीं तो फिर इसी में लाद के हम लोग हेवीज जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम फिर से निकल पड़े हैं बंजारों की तरह आइलैंड के अंदर ही, हमें होटल चेंज करना पड़ रहा है और सेम हमारी स्कूटी हमारा पूरा साधन है। लकी हम लोग सोच रहे थे कि 13 किलो में कैसे दोनों का सामान आ गया है, बट उसकी वजह से हमें फ़ायदा इतना हो गया है कि हमें स्कूटी पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही ऑटो वोटो की। स्कूटी पे हम सूट केस लादे, देखो ऐसे स्कूटी पे ही सूट केस लादे हम लोग चले पड़े हैं। चेक इन जो है 12 बजे है, स्टार्टिंग हमें अभी चेक इन करने नहीं देंगे और फिर हम सामान रिसेप्शन पर रखेंगे और हम एलिफेंट बीच के लिए निकल जाएंगे जो ट्रैक करके जाना है हमें। फर्स्ट गाइड हम लोग ने हेवीज में चेक इन तो नहीं किया है बट सामान रख दिया है हेवीज में और हमने अब हम निकले हैं पॉइंट जहाँ से वो ट्रिक स्टार्ट होता है एलिफेंट बीच का। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, दिस इज दी प्लेस जहाँ पे सारे स्कूटीज पार्क हो रखी हैं एंड यहाँ से देन दिस इज दी ट्रैक रूट जो ट्रैकिंग को जाता है टू एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा लिखा है वैसे, हमको एलिफेंट बोल रहे थे बट एलिफेंटा है इन द लोकल डायलेक्ट और लोकल लैंग्वेज। दिस इज द लेवल ऑफ सिंसेरिटी दैट पीपल हैव। कोई भी हेलमेट लॉक करके नहीं गया है, दे ऑल हैव ट्रस्ट इन दिस। हाँ तो हम लोग भी हेलमेट हम लॉक कर देंगे बट एक तो अंदर आ जाएगा, एक लॉक कर देंगे। सो गाइस व्हाट यू जस्ट सॉ वाज द एंट्री एंड द रजिस्टर एट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक वेयर यू हैव टू एंटर योर डिटेल्स जो जा रहे हैं ट्रैक के लिए और जो गाइड हैं आपके। हमारे गाइड इज मिस्टर प्रकाश। क्वाइट क्विक प्रोसेस, ज़्यादा टेंशन नहीं है, इजी, कोई एंट्री फी वगैरह भी नहीं है एंड नाउ यू स्टार्टेड। एज प्रकाश टेल्स अस ये कैशोनट वाले पेड़ हैं और इनके अंदर से कैशोनट, ये ड्राई करते हैं इनके अंदर से निकालते होंगे ना सूख। ये जो है ये कैशोनट है, ये इसका फल है। इसके पीछे आना पड़ेगा। सो वी हैव टू वॉक थ्रू दिस लेक सॉर्ट ऑफ थिंग। Guys, look at that. दूर वहाँ ब्लू वाटर दिखना शुरू हो गया है। क्वाइट यूनिक एक्सपीरियंस ना बंधु। ब्यूटीफुल द वाटर, लुक एट दैट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट बीच पे and look at the water, how amazing it is, beautiful water,
यहाँ पे वाइटिश है नीचे, एंड देन आगे जाते जाते वहाँ पे ग्रीनिश हो रहा है, फिर आगे डार्क ग्रीन एंड देन ब्लू। तो ये है मेन स्पॉट ना, ये है ना मेन स्पॉट? हाँ मेन स्पॉट है। ओके अच्छा, खाने पीने का भी है, मतलब पूरा दिन बिता सकते हैं यहाँ पे आराम से। अच्छा भैया पहले ना हमें चेंज करना है अपना वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, पहन लेते हैं फिर उसी में रहेंगे पूरे दिन। सो गाइस मैंने चेंज कर लिया है अपने स्विमिंग अटायर में, एज यू कैन सी वाटर स्पोर्ट्स के लिए ऑलरेडी। ये यहाँ पे काउंटर है जहाँ पे एंट्री करनी होती है, आते ही यू हैव टू एंटर योर नेम एंड एवरीथिंग, जो हमारे गाइड ने कर दिया है। That side are the lockers over there, and these are the changing rooms for the ladies, and that one is the changing room for the gents. वहाँ पर change कर लिया है मैंने, and lockers are also available over there. तो locker लेना तो locker ले सकते हैं, नहीं तो आपके साथ एक guide होगा। जैसे हम plan कर रहे हैं कि जब भी हम sport करेंगे तो bag जो है हम guide को दे देंगे, तो हम लोग locker नहीं ले रहे। पूरा sport चल रहा है वहाँ पर, everything सिर्फ water sports चल रहे हैं हर जगह। तो मैंने कई सारे sports किए हुए हैं, तो we will not waste money on that. I believe she wants to do the parasailing. पैरा सेलिंग शी वॉन्ट्स टू डू, तो वो एक करेंगे। बाकी बनाना राइड और जेट्स की भी किया हुआ है मैंने, तो विल डिसाइड, देखते हैं डिसाइड करते हैं किसको क्या करना है, एंड उसके बाद फिर हम करते हैं। स्विमिंग वाले गॉगल्स थे वो लाने चाहिए थे, बट एनीवेज अभी हम वंदना को करवा रहे हैं पैरा सीलिंग, बिकॉज मैंने किया हुआ है गोवा में एंड इट्स वेरी कॉस्टली, अबाउट 3,500 एक बंदे का है। तो वंदना को पैरा सीलिंग करवा रहे हैं, एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है। टिकट ले लिया है दोनों ने, एंड अभी हमने क्या किया है कि वंदना करेगी पैरा सीलिंग, एंड मैं जाऊँगा बोट में, जिस बोट से ये पैरा सीलिंग करेगी, तो उसका 500 rupees एक्स्ट्रा चार्ज है। तो 3,700 हमने किया है, यहाँ पे सिर्फ कैश लेते हैं, बीच में नेटवर्क नहीं है। तो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव टेकन अ फोटोग्राफ ऑफ द QR कोड, और बोर्ड पे जाके थोड़ा आगे जाके यही सेइंग कि नेटवर्क आता है, तो वहाँ से मैं इनको QR कोड स्कैन करके पे कर सकता हूँ। नहीं करना हमने, क्या बताएं, नमक खाया है कान में नमक, नाक में नमक, मुंह में नमक, आंख में नमक, ओह बट मज़ा आया। अब हम लोग निकल रहे हैं और थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे। कहिए देखो, जब हम आए थे तो पानी यहाँ तक था, तो हम लोग ऊपर चल के आए थे पूरा, एंड लुक एट दिस। अभी वो जाते वक्त भी पानी नहीं होगा, मतलब उधर वहाँ भी नहीं होगा। हाँ तो अभी देखो पूरा वहाँ तक पूरा वो चला गया, ये सब कुछ पानी के अंदर था, ये पेड़ एवरीथिंग।
नाइस। तो गाइस ये देखो, ये वही जगह है जो सुबह पूरी नी डीप पानी तक पानी में थी, ये पूरा पानी रिसीड हो गया है बिकॉज लो टाइड आ गया, तो अभी इजी वॉकिंग हो गया है ये इलाका। सुपारी नहीं है, काजू है। काजू इसके अंदर से निकलेगा? नहीं, इसका तोड़ के ये गए सारे सुपारी के पेड़ हैं। इसमें हमें बताया कि अदर देन दोस्त पान जो सुपारी वगैरह बनती है उसके अलावा उसका जो जूस होता है उसको यूज़ किया जाता है टू मेक परमानेंट कलर्स फॉर क्लोथिंग, यू नो क्लोथ में कड़क अगर कपड़े में कलर चढ़ाना है तो सुपारी का जूस का यूज़ होता है। अच्छा ये है, अच्छा ये काजू होता है, ले लो इसको तुम। उधर भी हैं बहुत सारे, छोड़ो। पर ये पक गया क्या? तो गाइस ये काजू का फ्रूट है, इसका कुछ और काम है। ये जो निकला है ये है काजू, तीन काजू ले लिया हमने आज की कमाई। चलो थैंक यू प्रकाश, थैंक यू। हाँ पक्का। चलो गाइस अभी स्कूटी पकड़ते हैं और अपना नया कमरा देखते हैं, हेवीज का रूम विद अ प्राइवेट पूल। ये तो ये रूम जिस रीज़न से हमने लिया था, फोटोज़ जो देख के हमने ये सोचा था कि 100% लेना ही लेना है, वो है ये दी इन रूम प्राइवेट स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल नहीं, प्राइवेट पूल। एंड इवन बेटर इज यहाँ पे आप सोक इन कर सकते हो, अंदर आराम से चिल कर सकते हो, और चिल करने के बाद अगर आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग करने के लिए ये डोर खोलिए और आप मेन पूल में कनेक्ट हो जाते हो। दिस इज़ द मेन पूल ऑफ द प्रॉपर्टी। सो यार आज का दिन का जो मेन मुद्दा था वो अचीव हो गया है, एलिफेंट बीच कर लिया पूरा। एंड नाउ वी डोंट हैव मैनी मेजर थिंग लाइंड अप फॉर टुडे, वी जस्ट रिलैक्स, थोड़ा सा पूल में चिल करेंगे एंड देन प्रॉब्ली फॉर द डिनर विल गो आउट। एक दो लोकेशंस हैं हमारे दिमाग में, तो लेट यू नो। सो गाइस हम लोगों ने ये लाइट हाउस रेस्टोरेंट करके इसमें आ तो गए, हम आए हैं बिकॉज इस लुक्स अपार्ट। कह रहा था कि हम घुस तो गए इसका चकाचौंध और अच्छा सा एम्बियंस देख के, बट हमारे लोग यहाँ कोई भी नहीं है। और यहाँ आके आप देखते हैं खाना खाने, पहला शॉक तो हमें लग गया कि भैया इसने एग्जैक्टली सेम मेन्यू जो फेमस कैफ़े का है उठा के यहाँ पे रख दिया है। खाना खा लिया है, मैंने ऑर्डर किया था एक प्रॉन हक्का नूडल्स एंड वंदना ने ऑर्डर किया था मिक्स वेज विद चपाती एंड दोनों जो मिक्स वेज इज़ गुड, शी टेल्स मी मिक्स वेज एंड चपाती इज़ गुड। जो प्रॉन हक्का नूडल्स था इट वॉज वेरी स्पाइसी, आई मीन उसका ना बाकी टेस्ट छुप जाता है इफ़ यू मेक इट सो स्पाइसी। सो हम डिनर ख़त्म करेंगे एंड ज़्यादा कुछ नहीं, अब वापस चलेंगे अपने रिजॉर्ट। कल सुबह स्कूबा है एंड आई बिलीव व्लॉग को भी मैं आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करूँगा। एलिफेंट बीच वॉज अमेजिंग एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग इन द फ्यूचर व्लॉग। टिल देन दिस इज दीपक एंड वंदना साइनिंग ऑफ From Havlock. Right, see. Bye-bye.